मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल राहुल ट्यूशन सेंटर में स्वागत है। मैं आप लोगों को अभी गुणनखंड सिखा रहा हूँ, तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बारे में बताए थे, तो उसी पर आधारित आज हम गुणनखंड पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये गुणनखंड कैसे बनेगा। गुणनखंडन कीजिए तो हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे ए प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। हम आप लोग को ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताए थे। ठीक उसी प्रश्न पर ये क्या है आधारित है, उसी फॉर्मूला पर आधारित है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस फोर वाई जेड प्लस फोर जेड एक्स है। तो हम इसको एक्स मानकर ऐसे स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस वाई लिख कर ऐसे स्क्वायर कर देंगे, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस टू जेड का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए और इसको क्या मान लिए, सी मान लिए। अब यहाँ पर प्लस टू ए बी क्या है, टू ए बी, तो टू लिख दिए। ए ए किसको माने हैं, एक्स को, तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे। बी किसको माने हैं, वाई को, तो यहाँ पर प्लस टू एक्स वाई हो गया। प्लस टू बी सी है, टू क्या है, बी सी, तो बी किसको माने हैं, वाई को, गुना में लिख देंगे। और सी किसको माने हैं, टू जेड को, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू जेड। तो अब देखिए यहाँ पर गुना कर कीजिएगा तो फोर वाई जेड हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर टू सी ए लिखा है, क्या लिखा है, टू सी ए, तो टू लिख दिए। सी किसको माने हैं, टू जेड को माने हैं, तो टू जेड लिख देंगे। और ए किसको माने हैं, एक्स को माने, किसको माने हैं, एक्स को। तो अब गुना करेंगे तो फोर जेड एक्स हो जाएगा। तो अब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। यानी कि जहाँ ए एक्स एक्स को क्या माने, ए माने हैं, वहां पर ए के जगह पर एक्स है। और बी किसको माने हैं, वाई को, तो बी के जगह पर क्या है, वाई है। और सी किसको माने हैं, टू जेड को माने हैं। तब ए बी सी मिल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई, यहाँ पर लिखेंगे ना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए किसको माने हैं, एक्स को, ए किसको माने हैं, एक्स को, बी किसको माने हैं, वाई को, और सी किसको माने हैं, टू जेड को। ये हो गया, ए किसको माने हैं, एक्स को, बी किसको माने हैं, वाई को, और सी किसको माने हैं, टू जेड को। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड का होल स्क्वायर हो गया। अब इसके यहाँ पर स्क्वायर है, यानी कि इसको दो बार लिख देंगे। इसको कितना बार लिख देंगे, दो बार लिख देंगे। और यही हमारा क्या हो गया, गुणन खंड हो गया। उसी तरह दूसरा प्रश्न बनाने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ पर इसको ए स्क्वायर मान लेंगे, ए स्क्वायर। अब यहाँ पर फोर बी स्क्वायर है तो इसको करेंगे टू बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दुदूनी का चार बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको कर देंगे प्लस थ्री सी का होल स्क्वायर, प्लस थ्री सी का होल स्क्वायर। तो इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, सी। यानी कि ए के जगह पर ए है और बी के जगह पर टू बी है, बी के जगह पर क्या है, टू बी है, और सी के जगह पर क्या है, थ्री सी है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू ए बी, तो ए किसको माने, ए को, और बी किसको माने है, टू बी को, बी किसको माने है, टू बी को माने है। प्लस यहाँ पर टू बी सी होता है, टू बी सी, तो बी किसको माने है, टू बी को माने है, और सी किसको माने है, थ्री सी को मानेंगे। और गुना करके भी देखेंगे, यहाँ पर देखिए दो दूनी का चार ए बी आ गया, दो दूनी का चार और चौथी बारह, बारह बी सी आ गया, प्लस टू सी ए, सी किसको माने है, थ्री सी को, और ए किसको माने है, ए को माने है। तो यहाँ पर भी गुना करेंगे तो तीन दूना छ सी ए हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ए किसको माने हैं, ए माने हैं ए को, और बी किसको माने हैं, टू बी को माने हैं, और सी किसको माने हैं, थ्री सी को, होल स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको दो बार क्या करेंगे, लिख देंगे ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी, ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी, थ्री सी, यानी कि यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम इसको 2m का होल स्क्वायर मान लेंगे प्लस इसको n का स्क्वायर कर देंगे। अब हम आपको बताएं कि यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, प्लस में, m और n क्या है, प्लस में, तो 2m भी प्लस में हो गया, n भी प्लस में हो गया, और प्लस में इसको माइनस पांच पी का होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस पांच पी का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ए मान लेंगे, इसको क्या करेंगे, बी मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, सी, यानी कि 2m को ए मान लिए, एन को बी मान लिए, और माइनस पांच पी को क्या मान लिए, सी मान लिए। अब यहाँ पर प्लस टू ए बी होता है तो टू लिख दिए, प्लस में टू होता है, टू लिख दिए, ए ए किसको माने हैं, टू एम को माने, और बी किसको माने हैं, एन को माने हैं, बी किसको माने हैं, एन को। अब यहाँ पर गुना करेंगे, दो दूनी का चार एम एन हो गया, प्लस में प्लस हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस टू बी सी, बी किसको माने हैं, एन को, और सी किसको माने हैं, माइनस पांच पी को। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह हो गया, तो हम आप लोगों को गुना का चिन्ह बताए थे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो पांच दूनी दस, दस एन पी हो गया। अब यहाँ पर भी लिखेंगे प्लस टू सी है, सी किसको माने हैं, माइनस पांच पी को माने हैं, और एक किसको माने हैं, टू एम को माने हैं। तो अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, गुना करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, गुना। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, पांच दूनी दस, दस दूनी बीस, बीस पी एम हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए किसको माने हैं, ए टू एम को माने हैं, बी किसको माने हैं, एन को माने हैं, और सी किसको माने हैं, माइनस फाइव पी का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया टू एम प्लस एन माइनस फाइव पी का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, दो बार लिख देंगे, टू एम प्लस एन माइनस फाइव पी, छोटा कोष्ट, टू एम प्लस एन माइनस फाइव पी, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है नौ एक्स स्क्वायर प्लस सोलह वाई स्क्वायर प्लस पच्चीस जेड स्क्वायर माइनस चौबीस एक्स वाई माइनस चालीस वाई जेड प्लस तीस जेड एक्स। तो हम आप लोगों को बोले कि देखेंगे सबसे पहले कौन सा प्लस में, कौन सा क्या है प्लस में, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जेड और एक्स वाला क्या है प्लस में, जेड और एक्स वाला क्या है प्लस में, तो जेड और एक्स वाला क्या है प्लस में है, तो ये इसको थ्री एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे और इसको ए मान लेंगे, थ्री एक्स को ए माने हैं प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये सोलह है ना, सोलह वाई स्क्वायर, इसको माइनस चार वाई का स्क्वायर मानेंगे, क्यों मानेंगे, हम यहाँ पर बोले कि जेड और एक्स क्या है प्लस में, यानी कि जेड और एक्स भी प्लस में है और जेड भी प्लस में है, तो यहाँ पर पांच जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको बी मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। तो अब हो गया थ्री एक्स को ए मान लिए, माइनस फोर वाई को बी मान लिए, प्लस फाइव जेड को क्या मान लिए, सी मान लिए। अब फॉर्मूला में होता है प्लस टू ए बी, टू ए बी, तो ए किसको माने हैं, थ्री एक्स को माने हैं, और बी किसको माने हैं, माइनस फोर वाई को माने हैं। अब गुना करेंगे, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और तीन दूनी छह चौका चौबीस हो गया, यहाँ पर चौबीस एक्स वाई आ गया। अगला प्लस टू बी सी होता है, क्या होता है प्लस टू बी सी, तो बी किसको माने हैं, माइनस चार वाई को माने हैं, और सी किसको माने हैं, फाइव जेड को माने हैं। अब गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, चार दुनिया आठ, आठ पांच चालीस, तो माइनस चालीस वाई जेड भी आ गया। यहाँ पर प्लस टू बी सी, टू सी है, टू सी है, सी किसको माने हैं, फाइव जेड को, और एक किसको माने हैं, थ्री एक्स को माने, एक किसको माने हैं, थ्री एक्स को। अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे, यहाँ पर प्लस प्लस होगा,
पांच दूनी दस और दस तीन क्या हो जाएगा 30x हो जाएगा, यानी कि 30zx हो गया। तो हम आपको बताएं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a किसको माने हैं, 3x को माने हैं, b किसको माने हैं, माइनस 4y को माने हैं, और c किसको माने हैं, 5z का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, दो बार लिख देंगे, दो बार लिख देंगे, 3x माइनस 4y प्लस 5z, 3x माइनस 4y प्लस 5z, ये बन गया। फाइव नंबर प्रश्न को देखते हैं। फाइव नंबर प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड के स्क्वायर बटा में 4 प्लस 2xy माइनस yz माइनस zx। तो दोस्तों हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि ये प्रश्न, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। ये गुणनखंडन होता है कि बिना फॉर्मूला का बनता नहीं है। तो सबसे पहले फॉर्मूला को क्या करेंगे, याद रखेंगे। देखिए हम आपको बोले कि सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा प्लस में है। अब यहाँ पर देखेंगे कि x और y क्या है, प्लस में, यानी x वाला भी प्लस में है और y वाला भी क्या है, प्लस में है। अब देखिए इसको लिख देंगे x का स्क्वायर, इसको लिख देंगे y का स्क्वायर, और इसको लिख देंगे जेड बटा में 2 का होल स्क्वायर, जेड बटा में 2, और इसको माइनस में रख लेंगे। क्या करेंगे, माइनस में रख लेंगे। अब इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, और इसको c मानेंगे। x को a मानेंगे, y को b मानेंगे, माइनस जेड बटा में 2 को c मानेंगे। अब देखिए यहाँ प्लस फॉर्मूला में होता है ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब होता है 2ab, तो 2 लिख दिए, a किसको माने है, x को, और b किसको माने है, y को। यहाँ पर हो गया प्लस 2xy, यहाँ पर होगा प्लस 2bc, b किसको माने है, y को माने है, और c किसको माने है, माइनस जेड बटा में 2 को माने है, माइनस जेड बटा में 2 को माने है। और फिर होगा प्लस 2ca, तो 2 लिख दिए, c किसको माने है, माइनस जेड बटा में 2 को माने हैं, माइनस जेड बटा में 2 को माने हैं। अब देखिए अब हो गया ए, ए किसको माने हैं, एक्स को माने हैं। अब गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और ये 2 से और ये 2 क्या हो गया, कट गया, तो माइनस वाई जेड हो गया। यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो माइनस जेड एक्स हो गया। अब यहाँ पर होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a किसको माने हैं, x को माने हैं, b किसको माने हैं, y को माने हैं, और c किसको माने हैं, माइनस जेड बटा 2 का होल स्क्वायर। अब इसको दो बार क्या करेंगे, लिख देंगे x प्लस वाई माइनस जेड बटा में 2, x प्लस वाई माइनस जेड बटा में 2 का, यही हो गया answer।